आरटीओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी एक फॉर्च्यूनर कार ट्रांसफर करने पर सवालों के कटघरे में आ गए हैं। विगत दिनों कमलानगर के रहने वाले कारोबारी की पत्नी को भनक तक नहीं रखी, उनकी कार किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत डीसीपी से की है। मामले में जांच जारी है। ये जो वाहन है UPSC EY 4555 फॉर्च्यूनर, जो कि विक्रेता है, उन्होंने विक्रेता को बेची या नहीं बेची, एक ये विवाद सामने आया है। ये बात ठीक है और हमने इस संबंध में स्वयं ने जो संबंधित पटल सहायक है श्री केदार सिंह, उनका स्पष्टीकरण लिया है और जो इसकी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के रूप में इन्होंने गाड़ी का स्वामित्व हस्तांतरण किया है संभागीय निरीक्षक श्रीमान उमेश कटियार जी का भी हमने स्पष्टीकरण लिया है और इसमें जांच चल रही है। मैंने कुछ इन पेपर्स की जांच भी की है। मैंने इनसे पूछा केदार सिंह जी ने, तो उन्होंने यही बताया है कि विक्रेता कार्यालय में उपस्थित हुई थी, उन्होंने अपने फ़ोटो पे भी साइन किए हैं और मैंने भी हस्ताक्षर किए थे उनको देखने के बाद, और इसके साथ साथ फॉर्म नंबर 35 भी जारी किया गया है। विक्रेता का कहना यह है कि हमने 35 नंबर जारी नहीं किया है, लेकिन हमारी जो आरटीओ ऑफिस की मेल आईडी है, उस मेल आईडी से जिस बैंक की से फाइनेंस चढ़ा था उस पर एचपीए का सत्यापन किया गया, तो वहां से भी उसको फॉर्म नंबर 35 और जो एनओसी जारी की गई है उसको जारी होना ठीक बताया गया। और इसके बारे में अपने अपने दोनों के पक्ष हैं, अब इसकी पुलिस विभाग भी जांच कर रहा है, हमारे स्तर से भी जांच हो रही है, अभी जांच चल रही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।